किसान भाइयों चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है किसान भाइयों हमारे देश की आधे से अधिक आबादी आज भी कृषि पर आधारित है उसके साथ साथ हमारे किसान भाई पशुपालन भी करते हैं किसान भाइयों कृषि के क्षेत्र में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं इन बदलावों की जानकारी किसानों तक पहुँचना भी आवश्यक है हालाँकि किसान भाई स्वयं में अपने आप में विशेषज्ञ है लेकिन विशेषज्ञों की तकनीकी जानकारी मिलना भी उतना ही आवश्यक है किसान भाइयों इसी तारतम्य में चौपाल की टीम आज आई है मध्य प्रदेश के विकासखंड बैरसिया के गांव भैंसोधा में और हमारे साथ हैं आप अनेक प्रगतिशील किसान और साथ में हैं कृषि विशेषज्ञ तो सबसे पहले उनका मैं परिचय करा देता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे हमारे साथ हैं जो जानकारी देंगे कि इस समय रबी फसलों में हमारे किसान भाइयों को क्या क्या काम करना चाहिए साथ में ही उनके पास में है एक ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने पथरीली भूमि पर एक कम साधनों में कम लागत में अधिक उत्पादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया की है ऐसे राम किशोर दांगी का भी मैं स्वागत करता हूँ कृषि विज्ञान के रायसेन से भी हमारे साथ आए हैं जो उद्यान की, की जानकारी देंगे डॉक्टर गुप्ता जी उनका भी स्वागत करता हूँ मैं और पशुपालन से संबंधित क्योंकि किसान भाइयों खेती बाड़ी के साथ साथ ऐसा कोई घर किसान का नहीं रहता जहाँ एक कम से कम एक गाय तो ना होती हो तो उनको भी व्यवस्थित ढंग से कैसे अच्छे रखें कौन सा चारा खिलाएं दूध अधिक उत्पादन कैसे लें इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी आपका भी स्वागत है और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है जो अपने आप में एक मिसाल है तो सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वप्निल जी दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वो वर्तमान में समसामयिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें जैसा कि इस समय हम किसान भाई देख रहे हैं कि खरीफ की फसल की कटाई हो चुकी है कई क्षेत्रों में रबी फसल गेहूं, चना मसूर तेवड़ा सरसों की बुआई चल रही है कई क्षेत्रों में बुआई अभी भी बची हुई है तो इस समय हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से गेहूं, चना मसूर अंसी तेवड़ा इसकी जो है बोनी चल रही है तो इसके लिए हमारे किसान भाई पहला तो हमेशा हम कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कि हर तीन साल में बीज का बदलाव करें जो भी हमारी फसल हो चाहे खरीफ की हो रबी की हो हर तीन साल में हमें नए प्रजाति जो आती जा रही हैं उनका हमको बीज उपयोग करना है इसके बाद हम जो है बीज उपचार अवश्य करें साथ ही संतुलित मात्रा में खादों का उपयोग करें और जो नई तकनीक रबी फसलों की आ रही है उनका यदि हम खेती में समावेश करते हैं तो निश्चित है जो रबी फसलों का उत्पादन है वो हम कम लागत में और अच्छा कर सकते हैं तो किसान भाइयों हम किसी सफल किसान को आपसे इसलिए मुलाकात कराते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में अच्छी खेती करें तो मैं डॉक्टर उनसे राम किशोर जी दांगी से कहूँगा कि वो बताएं हमारे किसान भाइयों को कि किस तरह से इस भूमि में कौन कौन फसल ले रहे हैं कितनी आँख पास ज़मीन है उसके साथ साथ क्या पशुपालन भी आप करते हैं हमें बताएँ नमस्कार किसान भाइयों दिनेश जी जैसा कि आपने बताया कम लागत में और पथरीली ज़मीन में अधिक पैदावार कैसे ली जाए इसकी लागत भी कम आए और पैदावार अच्छी आए तो इसके लिए मैं मैं परंपरा से खेती करता आ रहा हूँ मेरे पास आज बीस एकड़ खेती है इस खेती के अंदर मेरे गन्ना भी है तुअर भी बोई है चने भी है मसूर भी है तीन सौ छः गेहूँ भी बोए है मैक्सिकन वेराइटी है धनिया है मिर्च है हल्दी है अदरक है मतलब टोटल चीज़ें मैं पैदा करता हूँ और बहुत कम लागत में वो पथरीली ज़मीन पे इतनी मेहनत करके पानी की बहुत कमी इस गांव के अंदर और पानी की तो शायद सभी दूर कमी आएगी पानी को बचाना किसान का दायित्व भी है ज़रूरत के हिसाब से वो पानी देना चाहिए तो मैं अपनी पद्धति से आप लोगों को रोबरू कराना चाहता हूँ कि जो भी जैसे सोयाबीन हमने काटा सोयाबीन काटने के बाद में अगर आपने हार्वेस्टर चलाया तो उसमें आपको आग नहीं लगाना चाहिए रोटावेटर कल्टीवेटर से उसे ज़मीन में मिला देना चाहिए इसके बाद सूखी बोनी करके और स्प्रिंकलर से पानी करो आप तो स्प्रिंकलर से आधा पानी लगता है मैं बीस एकड़ में बीस दिन में एक पानी निकाल देता हूँ और मैंने कभी पलेवा नहीं किया सूखी बोने के बाद में उसमें स्प्रिंकलर चलाते हैं तो उसका एक फ़ायदा तो ये है कि हम जैसे अभी तीन सौ छः पीसी की डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई नहीं बोता लेकिन मैं परंपरा से बोता आ रहा हूँ पचास किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज डालते हैं और उसमें बोने के बाद में स्प्रिंकलर चलाते हैं छः घंटे पाँच घंटे में पर्याप्त नमी हो जाती और इसके बाद में उसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है जो भी खाद डालता हूँ केचुओ वाले उसमें तीन सौ छः में रासायनिक खाद यूरिया का प्रयोग नहीं करते वो अभी सामने है डॉक्टर साहब देख लेंगे और इसके अलावा मैक्सिकन वेराइटी बोते हैं चने हर साल बोता हूँ मैं तीन साल में जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तीन साल में फसल चक्र होना चाहिए मसूर और चने और गेहूं का मैं तीन हिस्से में ही बोता हूं एक हिस्से में चना एक हिस्से में मसूर एक हिस्से में गेहूं तो चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो उगरा वाली शिकायत आती है उसका एक मेन कारण तो यह है कि अपन उसी जगह पर बार बार होंगे तो उगरा आएगा तो उसको फसल चक्र अपनाना जरूरी है और उसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम सोलह इंच रखना चाहिए और चने जो बीज है वो भी तीस से बत्तीस किलो से ऊपर नहीं जाना चाहिए लोग बाग उसमें पचास किलो डाल देते हैं तो उसका उत्पादन गिर जाता है इसी प्रकार अभी गेहूं में भी जो है गेहूं का जब अपन सूखी खेती करते हैं तो उसमें आप पचास किलो बीज डालोगे और पलेवा करके उसी ज़मीन में आप अस्सी किलो डालोगे तो उतना अंकुरण नहीं होगा जितना कि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो पानी बचाना है स्प्रिंकलर की बहुत अच्छी खेती होती है और मेरे पास सारी फसलें इस समय है अवेलेबल और अपने घर खर्चे के लिए तो मैं बोता ही हूँ किसान बंधुओं से विशेष आग्रह ये करूँगा कि कभी भी नरवाई में आग ना लगाएं मैंने 20 साल से कभी नरवाई में आग नहीं लगाई आज मेरे खेत के गनमन देखिए पूरे पेड़ पौधे होंगे पर्यावरण का भी उससे बचाव होता है जब आग लगाते हैं तो मेड़ के सारे पेड़ जल जाते हैं बारिश की भी एक वो विषय बनता है तो किसान बंधुओं बहुत हल्की ज़मीन में कोपरा के अंदर अभी डालर चना वो मैंने छः जीरो सतहत्तर चने बोए और मैक्सिकन वेराइटी भी लगाइए और बगीचा भी है मेरे पास बीयों का बगीचा आप देखिए पथरीली ज़मीन में इतने बढ़िया बगीचा जिससे ड्रिप से हम सिंचाई करते हैं साथ में डेयरी उद्योग भी है मेरे पास डेयरी भी करता हूँ केचुए से जो खाद बनता है वो तीन सौ छः जो खाने वाली पीसी है उसमें यूरिया नहीं डालते भाई वही जैविक खाद डालते हैं वो बहुत अच्छा उत्पादन आता है जी किसान भाइयों जब हम समग्र खेती की बात करते हैं तो राम किशोर जी जैसे किसानों की याद आई जाती या है समग्र खेती में उद्यान की पशुपालन और जो परंपरागत खेती वो पर तो हुई होती है तो मैं डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो उद्यान की फसलों पर हाँ किसान भाइयों नमस्कार जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यान की फसलों के बिना खेती को लाभकारी बनाना वो असंभव है और उसी कड़ी में हम बात करना चाहते हैं कि अभी रवि का सीज़न शुरू हो गया है और हमारे सभी किसान भाइयों ने रवि सीज़न की सब्जी और मसालेदार जो फसलें हैं वो लगाने की तैयारी कर ली हैं तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई उद्यान की फसलों में क्या उच्च तकनीक अपना सकते हैं जिससे वो एक अधिक आमदनी ले सकते हैं जैसा कि अभी पूर्व में दांगी जी ने बताया कि पानी की काफ़ी कमी है इस गांव में तो टपक सिंचाई तकनीक के माध्यम से आप पचहत्तर प्रतिशत पानी को बचा के सब्जी फल फूल और मसालों की अत्यधिक आमदनी ले सकते हो अत्यधिक उत्पादन ले सकते हो साथ ही साथ पानी के साथ आप पोली हाउस तकनीक जो रहती है उस पोली हाउस तकनीक में बेमौसम सब्जी मसाले फल फूल इनका उत्पादन ले सकते हैं और इसमें बहुत अधिक आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं पोली हाउस तकनीक के साथ जो ड्रिप इरिगेशन जो को हम टपक सिंचाई तकनीक कहते हैं उसके माध्यम से जाके आप एक बहुत लाभकारी खेती को बना सकते हैं चूँकि भोपाल राजधानी आपके गाँव के पास में है तो उससे काफ़ी इनकम बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ इसमें हमारी जो कुछ औषधिया फसलें हैं औषधिया फसलों में जैसे अश्वगंधा है चिया है सफ़ेद मूसली है इनका भी उत्पादन अगर आप लेंगे तो उससे भी आप बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं और अभी डांगी जी ने बताया कि उनके खेत पे बिही का बगीचा लगा हुआ है तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में अमरूद जो जिसे बिही बोलते हैं उसकी जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा यहाँ हो रहा है और कुछ प्रजाति इसमें अधिक उत्पादन दे रही हैं तो उसका भी आप खेती करके बहुत अधिक आमदनी उससे ले सकते हैं और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में अब केले की प्रजाति को जो जी नाइन वेराइटी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है उससे भी किसान हमारे लाभान्वित हो सकते हैं और बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं अब मैं पशुपालन विशेषज्ञ जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों को साझा करें नमस्कार किसान भाइयों जैसे कि समग्र खेती की बात चल रही है तो फसल उद्यान की और पशुपालन और मछली पालन ये सारे जब जुड़ते हैं तो समग्र खेती जो है उसकी अवधारणा पूर्व होती है और जैसे दांगी जी के यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हम किसान भाई भी हैं तो हम भी अपने घर में दो चार जानवर तो रखते ही हैं लेकिन हम क्या है कि अच्छे पशुपालक बनने के लिए उनको अच्छा खिलाना पिलाना और उनसे उनकी अच्छी देखभाल और उनसे अच्छा उत्पादन अगर हम नहीं लेंगे तो हम अच्छे पशुपालक नहीं खिला सकते तो उसके लिए क्या है कि हमें अच्छी नस्ल के जानवरों को उनको पालना चाहिए उनके समय समय पर उनका जो टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम है उसको पूर्ण करना चाहिए जो जो दूध लेने का क्रम है उसमें जो उनका पोषण है उस पोषण को हमें पूर्ण देना चाहिए और कई तरीके अच्छे हैं सस्ते हैं और टिकाऊ हैं जिनका उपयोग करके हम कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा पशु से उत्पादन ले सकते हैं हमें ज़्यादा खर्चीले जो है मतलब उसका पोषण का उपयोग नहीं करना हम सस्ते पोषण का भी उपयोग करके जो है पशु को अच्छा आहार दे करके उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि पशु जो है काफ़ी महंगा होता है है ना उसका बीमा जरूरी होता है तो पशुपालक जो है पशुओं का बीमा अवश्य कराएं, ये मेरी एक आपसे निवेदन है क्योंकि क्या होता है कि हमारा एक पशु यदि मरता है या जाता है तो हमारे पास दूसरा पशु खरीदने के लिए क्षमता नहीं बचती तो पशु का बीमा बहुत आवश्यक है उसकी देखभाल करें तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जैसे अच्छे पशुपालन करते हुए बकरी है मुर्गी है मछली है या डेरी कर रहे हैं जो उन जिनके लिए डेरी है वो सभी में जो व्यक्ति जिस व्यवसाय का उपयोग कर सकता है उस व्यवसाय का उपयोग करते हुए पशुपालन का उपयोग करें और काफ़ी अच्छा लाभ कमाएं जी किसान भाई हो, खेत हो या खलिहान या हो घर की गाँव की दलहन जहाँ मिल बैठकर हमारे किसान भाई चर्चा करते हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त हो और अगर कोई समस्या खेती में आ रही हो तो किससे पूछें बड़ी सौभाग्य की बात है आज चौपाल कार्यक्रम में हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं तो हम किसान भाई से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है खेती में वो वैज्ञानिक उसका हल करेंगे सर नमस्कार मेरा नाम प्रकाश सिंह दांगी ग्राम खजूरिया रामदास तहसील बैरसिया जिला भोपाल मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि सरसों की एक एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए कितना खाद मिलना चाहिए कौन सी दवा डालना चाहिए कितनी उसकी आयु में सिंचाई होना चाहिए पर ये जानकारी चाहिए बहुत ही समसामयिक दांगी जी आपने प्रश्न पूछा है कि सरसों के उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में तो जैसा हम पहले आते हैं बीज के ऊपर तो सरसों का सामान्यतः जैसे गिरिराज करके अच्छी किस्म है आर 725 सात सौ पच्चीस है आर एस सात सौ उनचास है ये सभी दोनों तीनों किस्में एक सौ पैंतीस से एक सौ चालीस दिन का समय लेती हैं बीज दर की बात है तो डेढ़ से दो किलो बीज जो है एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है काफ़ी पतला और महीन बीज होता है तो डेढ़ किलो बीज पर्याप्त होता है खाद के यदि हम बात करें तो सरसों की फसल चूँकि सरसों में तेल की मात्रा होती है तो इसके लिए सल्फर की पूर्ति करना हमको आवश्यक है तो एक बेंटोनाइट सल्फर करके आता है उसका भी हम खेती में उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद सिंचाई व्यवस्था और थोड़ी सी कीट जो कीटों का प्रकोप आता है सरसों में सामान्यतः माहू मच्छर इसका प्रकोप ज़्यादा आता है तो जैसे हमें खेत में माहू मच्छर का प्रकोप दिखता है तो उसके लिए हम कोई भी एक रासायनिक कीटनाशक यदि करना चाहें तो जैसे इमिडा क्लोरपेड आता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं सौ एम एल पर एकड़ के हिसाब से या थायोमिथागाम आता है सौ ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और यदि हम जैविक उपचार करने की बात करें या देसी उपचार की हम बात करें तो राख हमारे गांव देहात में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं गांव में जो माताएं बहनें सब खाना जो है कंडो लकड़ी राख निकलती है तो जैसे ही खेत में आपको यदि माहू दिखती है तो आप यदि राख का भुड़काव कर देते हैं एक तगाड़ी अंदाज से दस से बारह किलो यदि एक तगाड़ी आती है तो यदि राख का हम कर देते हैं तो इस तरह उन्नत तकनीक से यदि हम सरसों की खेती करते हैं और सरसों में एक भभूतिया रोग भी आता है पाउडरी मिल्टी जिसको हम कहते हैं कि पत्ते पे सफ़ेद सफ़ेद जो है पाउडर बनता है तो इन कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित है सोयाबीन आपके सरसों की जो पैदावार है वो आपकी और अच्छी हो सकती है और कम लागत में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं सर मैं जीवन सिंह दांगे ग्राम भैंसुंदा किसान हमारे यहाँ गन्ने की खेती करता हूँ मैं उसमें आड़ा हो जाता है सर कौन सी वेरायटी बोएं और क्या कमी है उसकी हमें जानकारी बताएं देखिए गन्ने की फसल में यदि हमारी फसल आड़ी हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले है कि हम ये कहते हैं कि अपने जो खेत की मट्टी की जाँच अवश्य कराएँ क्योंकि गन्ने की फसल लगभग अठारह माह की होती है अधिक खाद की आवश्यकता होती है अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो उसमें मिट्टी की जांच कराएँ तो जैसे ही अभी आपका गर्मी का सीजन आएगा या गन्ना आपका कट जाएगा अगला आप गन्ना लगाएंगे नवंबर में तो उससे पहले खेत से कई जगह आप मिट्टी को निकाल लें मिट्टी में एक सार एक नमूना बना लें उसमें अपना एक नमूना जो है उसमें खेत की पहचान किसान का नाम खेत की पहचान कितने एकड़ का नमूना है कौन सी फसल बोई गई थी और या तो आप जैसे भोपाल में हमारा आई आई एस एस है मृदा संस्थान है वहाँ पे आप मिट्टी की जांच करा लें या नवी बाग है वहाँ करा लें या कृषि विज्ञान केंद्र है कहीं भी आप संपर्क करके पहले एक मट्टी की जांच करा लें कि हो सकता है उसमें आर्निक कार्बन जीवाश की मात्रा अधिक हो या यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो तो इससे हमको पता लग जाएगा कि उसमें कौन सी खाद देना है कितनी मात्रा में देना है जहाँ तक आपने बात करी कि फसल आड़ी हो जाती है तो इसके लिए पोटास जो है बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि जो हमारे कल्ले का फुटाव होता है हमारे जो गन्ने का गरेड़ है उसको जो मोटा करता है तो इसके लिए पोटाश तो यदि हम मट्टी की जांच हो जाए तो ठीक है नहीं तो 20 किलो प्रति एकड़ की दर से यदि हम पोटाश का उपयोग करते हैं गन्ना लगाते समय तो उससे भी हमको काफ़ी अंतर जो है आ सकता है जी आ, आप भाई साहब आपका परिचय दें और अपना प्रश्न करें नमस्कार सभी को मैं बद्री प्रसाद दांगी ग्राम सेमरा कला तहसील बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है कि आपने अपना समय निकाल कर और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आए दूसरा मेरा प्रश्न ये है उद्यान विभाग वाले डाक साहब से मेरा भी रुझान बड़ा था पेड़ लगाने की तरफ तो अभी तो मैंने थोड़े ही पेड़ लगाए थे डेढ़ दो सौ पेड़ मैंने चीता फल के लगाए और अमरूद का भी सोच रहा था लेकिन सर ये दो साल से हम देख रहे हैं कि आम में और अमरूद में या फल, इनमें इल्नियाँ हो रही तो इसके लिए कोई ऐसे उपचार कि जो तने से उसकी हम पूर्ति कर सकें क्योंकि पेड़ पे तो ऊपर दे नहीं पाते दवाई का छिड़काव या जो भी दूसरी बात दवाई अगर देते हैं तो फिर वो अशुद्ध हो जाता और दूसरा प्रश्न ये है अभी मैं भी सर ने बोला घास चारा एक अच्छा आया वो ही लगा रहा था एक ने अपियर करके घास है तो दूसरा कौन सा है उसकी जानकारी दें क्यों मैं भी भैंस गाय रखता हूँ मेरे पास दस गाय हैं तेरह बछड़ी हैं घोड़ी भी है एक दो नडवे भी हैं गायों के लिए भैंस भी है दो तो उसके लिए आप बताएं कौन सा घास है और पेड़ों के लिए कौन सी दवाई है जी डांगे जी ने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है और ये पूरे मध्य प्रदेश में ये समय समस्या इस समय विकराल रूप ले रही है और इस साल अमरूद में बहुत ज़्यादा ये समस्या आई है कि जहाँ भी हमने देखा तो उसमें इल्लियाँ दिखाई देती हैं और आम में भी इल्लियाँ दिखाई देती हैं और अनार में भी दिखाई देती हैं और उसमें उनका कहना है कि हम कुछ रासायनिक दवाई डालते हैं तो हमारा जो है वो प्रभावित हो जाता है रसायन से तो उसके लिए मैं दांगी जी से बताना चाहूँगा कि आपको एक इल्ली जो मुख्य इसका कारण है इल्ली होने का वो फल मक्खी एक होती है और वो फल मक्खी जैसे ही अमरूद या आम या अनार में उसका फल थोड़ा सा कोमल या नॉर्म सॉफ्ट होता है तो वो सफ़ेद फल मक्खी उसमें अंदर अंडे दे, दे देती है और जैसे जैसे फल पकता है वैसे वैसे वो अंडे से प्यूपा बन के और वो इली बन जाती है और वह बारीक 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 महीन इल्लियाँ उसमें अमरूद में अनार में आम में बहुत अनगिनत इल्लियाँ दिखाई देती हैं किसान परेशान रहते हैं कि उस इल्ली को कैसे नियंत्रित करना है उसमें किसान भाई को अस्सी से सौ रुपये का फल मक्खी ट्रैप आता है जो बाज़ार में उपलब्ध है उस फल मक्खी ट्रैप को एक एकड़ बगीचे के लिए आठ से दस फल मक्खी ट्रैप लेके आपको छः से सात फीट की ऊंचाई पे अपने फलोदार वृक्ष पे वो टांग देना है दूसरा उसमें एक दस लीटर पानी में एक किलो चीनी घोल और उसमें थोड़ा सा रसायन डालकर रसायन मतलब जो रासायनिक दवाई होती है इल्ली को मारने के लिए उसमें दस लीटर पानी में एक किलो चीनी का घोल बनाकर और उसमें आपको दस से बीस एम कोई भी कीटनाशक दवाई डाल दें और जो डिस्पोजल गिलास होते हैं प्लास्टिक के एक एकड़ में तीस से चालीस जगह छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास में वो चीनी का गोल भरकर और जगह 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 पौधे के पास रख दें वो आपको पौधे पे भी स्प्रे नहीं करना है केवल नीचे रखने हैं तो फल मक्खी जैसे ही उस पर नीचे आएगी पानी के लिए या मिठास की तरफ आकर्षित होगी और जैसे ही उस पानी को पिएगी तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएगी ये अगर दो आप उसमें उपाय कर लेते हैं तो आप अमरूद में आम में अनार में जितनी भी बारीक इलिया होती हैं उन इलिया को बिना किसी रसायन के छिड़काव के नियंत्रित कर सकते हो और एक अपनी कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं अमरूद अगर लगाया जाए तो दूरी कितनी रखना चाहिए हाँ दांगी जी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है किसान को पता नहीं होता कि अमरूद में कितनी दूरी पर हमें लगाना है लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आज के समय में जो किसान अमरूद या आम का बगीचा लगाता है तो वो पहले वाली जो अवधारणा हम 18-18 या 20-20 फीट पे लगाते थे अब वो अवधारणा ख़त्म हो चुकी है अब हम जितनी भी नई हमारी प्रजातियां जैसे लखनऊ उड़नचास चासबाद सफ़ेदा ये जितने भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने अनुशंसा की है उसमें दस वाई दस फिट पे लाइन से लाइन और पौधे से पौधा दस फिट रखते हुए आप अमरूद को भी लगा सकते हो आम को भी लगा सकते हो अनार को भी लगा सकते हो बसरते उसमें आपको साल एक साल में दो बार कटिंग का ध्यान रखना है उसकी कटाई छटाई आपको आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी अगर आपको सघन बागवानी या अति सघन बागवानी में जाके अधिक मुनाफा लेना है तो उसमें आपको दस दस फीट पे पौधे की दूरी रखते हुए आप उसमें एक साल में दो बार कटाई करते हुए बहुत अधिक आमदनी ले सकते हो क्योंकि किसान भाई 18 फीट पर लगाते हैं जिससे जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है वो कम होता है हमारी आमदनी भी कम होती है तो यहाँ पर मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि 10 बाई 10 फीट पर वो पौधे की दूरी रखते हुए उसमें एक साल में दो बार उसकी कटाई छटाई करते हुए फलदार वृक्षों का उत्पादन ले और बहुत अधिक उससे आमदनी ले जी जी तो भाई। किसान भाइयों हम देख रहे हैं कि हमारे किसान कितने जागरूक हो रहे हैं। हम आगे हम ये जानना चाह रहे हैं ग्राम सेमरी का रहने वाला हाँ। ये आम का बगीचा है उसमें वो मोर टाइप के निकलते उसमें फल नहीं आते हैं वो बांदा टाइप बोलते है उसके लिए कोई दवा डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब जी फूल आते हैं फल नहीं आते ये भी बहुत अच्छा एक आ, समय के अनुसार जो प्रश्न किया है जो हमारे पूरे जो किसान भाई आ, प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी ये काम का एक बहुत अच्छे प्रश्न है आम में एक मुख्य समस्या होती है जिसमें आम का चाहे वो छोटा पौधा हो और जब उसमें समस्या आती है तो उसके पत्ते ऊपर से पूरे कुकड़ जाते हैं और बिल्कुल उनका गुच्छा बन जाता है तो उसे मैंगो माल फॉर्मेशन बोलते हैं उसमें अगर छोटे स्तर पर अगर वो बीमारी आती है तो उसके पत्ते गुच्छा बन के और उसकी बढ़वा रुक जाती है और जब बड़े आम पर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसके जो फूल हैं वो फूल आता है बोर आता है लेकिन फल नहीं बनते गुच्छा बन जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को करना है कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है वो केमिकल नहीं है प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं नेपथलिन एसिटिक एसिड एन ए ए दो अगर 200 मिलीग्राम एक लीटर में उसे आप घोल देंगे तो वो 200 सौ पी उसकी मात्रा बन जाएगी अक्टूबर के महीने में और दिसंबर के महीने में अक्टूबर और दिसंबर के महीने में दो बार आपको उस पर छिड़काव करना है क्योंकि जनवरी फरवरी से जनवरी से बोर आना शुरू हो जाता है इसीलिए किसान भाई को अक्टूबर और दिसंबर में दो बार एन ए एसिटिक एसिड का 200 सौ का छिड़काव करना है जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन की समस्या है उससे वो कम्प्लीटली उसे आप खत्म कर सकते हैं या काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन से नुकसान होता है किसान को वो काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं धन्यवाद डॉक्टर साहब तो किसान भाई आप देख रहे हैं कि हमारे किसान बड़ी बारीकी से अपनी बातों को रख रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक उसको सटीक जवाब दे रहे हैं आप परिचित हैं अपना प्रश्न पूछें जी मेरा नाम जीतेन दांगी ग्राम मेसोंदा तहसील बेरसिया जिला भोपाल रहने वाला मैं सर ये पूछना चाहता हूँ जो गेहूँ बोते हैं उस टाइम ये उगने के बाद सूख जाते हैं इसके लिए क्या करना डॉक्टर गेहूं गेहूँ जो भी हमारी खरीफ फसल की कटाई होती है उसके बाद हम गेहूँ बोते हैं तो एक जड़ माहू का प्रकोप दिखता है शुरुआत में जब हम गेहूं की बोनी करते हैं उसके उगने के 10-12-15 दिन बाद हम देखते हैं कि गेहूँ लाइन में कहीं कहीं जो है पीला पड़ जाता है हल्का सा पीलापन आ जाता है उसको उखाड़ के नीचे देखें तो उसमें रस चूसा कीट माह हो दिखता है कई बार सोयाबीन के खेतों में भी ये देखने में आता है क्योंकि सोयाबीन की कटाई करने के बाद उसका भूसा पचासी हम वही छोड़ देते हैं तो कच्चे उसके कारण भी ये समस्या आती है तो इसका बढ़िया उपचार है बीज उपचार तो गेहूं के बीज उपचार की यदि हम बात करते हैं तो रासायनिक दवा से हम बीज उपचार हमेशा कहते हैं कि बुआई के पूर्व जो भी हमारी रबी फसल हो चाहे गेहूं हो चना हो मसूर हो अलसी हो तेवड़ा हो उसका बीज उपचार करें और जहाँ पे ये दीमक की समस्या आती है वहाँ पे क्लोर पारिफाश करके एक दवाई आती है तो पाँच एम प्रति किलो बीज यदि एक कुंटल हमारा गेहूँ है तो पाँच सौ दवा हमको लगेगी क्लोर पैरिफास से पहले ही हम बीज उपचार कर दें फफूंद नाशक के बाद क्लोर पैरिफास से और फिर हम इस जो है बोजनिंग कर दें तो ये जड़ माहू की समस्या हमको नहीं आएगी और यदि हम इसका उपचार नहीं कर पाए और खेत में हमको दिख रहा है कि हमारे छोटे पौधे पीले हो रहे हैं और उखाड़ने पर हमको माहू का प्रकोप दिख रहा है तो इमिडा क्लोरपिड नाम के की एक कीटनाशक आता है 100 एम दवा 200 लीटर पानी में थायोमेथाक जाम आता है 100 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में किसी एक दवा का घोल बना के हम छिड़काव कर दें तो जड़ माहू का जो असर है इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों अभी आपने देखा कि चौपाल कार्यक्रम एक ऐसी जगह है जहाँ किसान और विशेषज्ञ अपने विचारों को आपस में साझा करते हैं जिससे किसानों को काफ़ी फायदा होता है किसान भाइयों अगले गांव में ऐसी चौपाल के साथ फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार